यूँ तो मुल्क का हर शहरी पाक वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त ही पुरजोश रहता है, लेकिन अगर बच्चों के दरमियान पाक अफवाज के सपूत मौजूद हों तो फिर उनकी खुशी दीगनी होती है। ऐसा ही कुछ यौम फजाया के मौके पर मलीर के इलाके में कायम अल तौफीक इस्लामिक फाउंडेशन स्कूल में देखने में आया। सिद्दीक एंड हमीदा बेगम फाउंडेशन के तहत कायम इस स्कूल ने भी यौम फजाया भरपूर जोश और जज्बे से मनाया। स्कूल की रूहे रवां एयरफोर्स के साबिक सिपाही की साहबजादी फरहाना सिद्दीकी ने एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ तकरीब सजाई, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर बच्चों ने मिली नगमे और टैबलोज भी पेश किए। फरहाना सिद्दीकी का कहना था कि उनके वालिद एयरफोर्स से ताल्लुक रखते थे। उनकी ख्वाहिश है कि उनके स्कूल के बच्चे भी मादरे वतन के दफा के लिए हरावल दस्ता बने। अल तौफीक इस्लामिक फाउंडेशन स्कूल में बनाने का मकसद यही था कि मैं अपने वालिदैन के नाम पे सिद्दीक एंड हमीदा फाउंडेशन की जब ये तामीर करूँ तो मेरे स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा वही स्पिरिट रखता हो जो मेरे वालिदैन की थी, कि अपने मुल्क कौम के लिए खिदमत करनी है, अपनी जान कुर्बान करनी है। यही मेरा जज्बा है और यही हमारे काम करने वाले हर स्टाफ का जज्बा है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि 7 सितंबर की अहमियत की क्या है। हम अपने बच्चों को छुट्टी नहीं देते हैं ऐसे मौक़ों पे, बल्कि हम प्रोग्राम करके उनको इस जज्बे को जगाते हैं कि इस तारीख की अहमियत क्या है। और 7 सितंबर इस हवाले से बहुत अहमियत रखता है कि स्क्वाडन लीडर MM आलम ने जो तारीख रकम की थी वो आज तक कोई ना तोड़ सका वो रिकॉर्ड, और ना तोड़ करेगा, बल्कि हमारा हर बच्चा जो फिजाइया ज्वाइन करेगा वो यही जज्बा रखेगा कि मुझे आगे बढ़ के मरियम बनना है या फिर MM आलम बनना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा रहनुमा कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा रहनुमा कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।